नमस्ते। आज हम घर में स्टोर करने के लिए धनिया बनाएंगे। धनिया को बिना मौसम के ही खाने के लिए स्टोर करेंगे और हम बहुत ही इजी तरीके से आपको बताएंगे कि आप घर में कैसे इस धनिये को सुखा करके आप स्टोर कर सकते हैं ज़्यादा टाइम के लिए। कम से कम 4 से 5 महीने आराम से चल जाता है धनिया। तो आप अच्छे से धनिये को साफ़ कर लीजिए और जितना मुलायम पत्ते हैं या जितनी मुलायम डंडियां हैं ये सारी डंडियां ले लेंगे हम। इसको अच्छे से धोएंगे, 3 पानी 4 पानी, मतलब जब तक इसकी मिट्टी ना साफ हो जाए तब तक इसको हमें धोना है, वॉश करना है। और उसके बाद हम जैसे हमने इसको वॉश कर लिया है अच्छे से, और ये देखिए कितने अच्छे से साफ़ हो गया है। अब हम एक बर्तन लेंगे, हम बहुत ही ज़्यादा सा पानी भरेंगे जिसमें धनिया ये सारा डूब जाए। उसमें हम एक बर्फ़ का टुकड़ा डालेंगे ऐसे, जैसे ये बर्फ़ का टुकड़ा बिल्कुल इस पानी को हमें चील करना है, बिल्कुल ठंडा हो जाए बिल्कुल, ताकि जब भी ये धनिया हम सुखाएंगे धूप में या छांव में भी सूख सकते हैं, मौसम पे डिपेंड करता है ये। बहुत गर्मी है तो धूप में, ज़रूरी नहीं कि धूप में आप सुखाएं, थोड़ा कम धूप में भी सूख सकता है। पर अगर आपको धनिया को सुखा के रखना है तो आप इस धनिया को बहुत ही चील्ड पानी में, जब हमारा पानी बिल्कुल चील्ड हो जाएगा, ये देखिए बिल्कुल चील्ड हो जाएगा, 5 मिनट छोड़ दीजिए, बर्फ़ बिल्कुल पिघल जाएगा। ये देखिए बर्फ़ पिघलने लगा है बर्फ़। हम इसमें इस धनिया को सारा थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे ऐसे, सारा धनिया हम इसमें डुबो देंगे। अगर पानी कम पड़ता है आपका इसमें तो पानी आप और भी ठंडा पानी, बोतल का ठंडा पानी आप इसमें डाल दीजिए। अच्छे से ये पूरा भीग जाना चाहिए। हम सिर्फ इसलिए इसमें बर्फ़ में भिगो रहे हैं ताकि ये इसका जो हरापन है ना, ठंडा होने की वजह से जल्दी सूख भी जाएगा ये, और अपने टेम्परेचर पे ये रहेगा और धनिया बिल्कुल हरा हरा दिखेगा आपको सूखने के बाद भी। तो देखिए हम इसको भिगो दिया है। तो देखिए हमने इसे 3 से 4 मिनट भिगोया था और ये हमारा धनिया बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब हम इसको एक ऐसे बर्तन में, जाली वाले बर्तन में इसको निकालेंगे हम सारा। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको निकाल के। देखिए आपको आवाज़ आ रही है ना, इसमें बिल्कुल करकराहट की आवाज़ आएगी इसमें जब ये चील हो जाएगा, तो बिल्कुल लगेगा अभी हमने खेतों से इसे काट के लाए हुए हैं बिल्कुल फ्रेश। अब जो मेन है, अब इसको देखिए हम बताते हैं कैसे करना है इसको। अब हम इसे, अब इसमें पानी रह गया है तो सूखने में टाइम लगेगा, तो हम इसको जल्दी से जल्दी इसमें का पानी निकल जाए तो अब हम इसको जल्दी सुखाने के लिए दूसरे तरीके से अब सुखाएंगे। अब इसमें से हम पानी अब थोड़ा देर निचोड़ेगा, पानी निकल जाए इसका सारा, तब तक थोड़ा बहुत पानी निकलेगा इसके अंदर से, उसके बाद हम बताएंगे पूरा क्लियर पानी कैसे निकलेगा। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ऐसे ही मेथी को सुखाया है घर पे ही स्टोर करने के लिए। हमने ये मेथी सुखाया है, जिस मेथड से हमने ये मेथी सुखाया है इसी मेथड से हम इस धनिये को भी सुखाएंगे। और देखिए कितना अच्छा सा सूख गया ये हमारा मेथी। देखिए इसे कस्तूरी मेथी आप कह सकते हैं, और इसको बिना मौसम के भी खाने का मन होता है। तो घर में कई बार होते हैं मेथी तो बिना मौसम की जल्दी मिलती नहीं है, आप चाहें तो आप स्टोर करके रख लीजिए और बिना मौसम की ही मेथी बना के खा लीजिए। तो देखिए कितना अच्छे से हो गया ये, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, बिल्कुल हरा ग्रीन दिख रहा है ना। ऐसे ही हमारी ये धनिया का भी पाउडर हम बनाएंगे। चलिए फिर हम बनाते हैं इसको भी, आपको बताती हूँ अगला टिप करके बना सकते हैं। हम इसको 2 हिस्सों में बांधेंगे। हम ऐसा एक चुन्नी लेंगे, कोई भी फ्रेश आप एक चुन्नी साफ़ सुथरी ले लीजिए, और इसमें हम ये धनिया को सारे को रख देंगे, थोड़ा थोड़ा करके रखेंगे। 2 हिस्सों में हम बांधेंगे दोनों छोर पर ऐसे, देखिए इसमें अगर एक भी पत्ता ख़राब होगा तो एक दूसरे से लग के धनिया में मतलब एक अलग सी स्मेल आने लगेगी जो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए धनिया के अंदर। और हम अब इसको बताती हूँ कैसे इसको बांधेंगे। इसको हम बिल्कुल ढीले ही ढीला बांधेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं बांधेंगे, बस ऐसे पकड़िए इसको, इसको ऐसे इकट्ठा करिए। ये देखिए हमने बिल्कुल ही ढीला ही दिया है इसका, इसको घुमा के ऐसे और इसमें से ऐसे निकाल दीजिए। दोनों चुन्नी के दोनों छोर में या कपड़ा जो भी है आपके पास
उसके दोनों किनारों में थोड़ा थोड़ा करके बांधिएगा, इकट्ठा नहीं बांधना है आपको, नहीं तो इसमें इकट्ठा होगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा सूखने में, और आप थोड़ा करके बांधेंगे ना तो जल्दी सूख जाएगा ये। देखिए दोनों गट्ठी बना ली है। अब इसको हम क्या करेंगे, वॉशिंग मशीन में जो सुखाने वाला है उसको हम अच्छे से साफ़ करेंगे वॉशिंग मशीन को। मैंने ऑलरेडी अपने वॉशिंग मशीन साफ़ कर रखा है, अब हम उसको इसमें कम से कम 10 मिनट के लिए हम डाल के, जैसे कपड़े सुखाते हैं ना वैसे ही हम इसको डाल देंगे, और इसमें से जितना भी पानी है वो सारा निकल जाएगा। जो लोग के पास मशीन नहीं है तो वो लोग धूप में भी आप हल्की सी चुन्नी डाल के और बिल्कुल हल्का हल्का करके आप डाल के सुखाइए, आप बहुत आसानी से सूख जाता है ये। तो चलिए हम इसको वॉशिंग मशीन में सुखाते हैं। तो देखिए मैंने इसे वॉशिंग मशीन में सुखा लिया है, और ये कपड़े में बंधा है तो फैलने का भी डर नहीं है, और वॉशिंग मशीन भी आपका साफ़ है, कपड़ा भी आपका साफ़ है, तो गंदा होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। बिल्कुल ये साफ़ और बिल्कुल एक भी पानी नहीं है इसके अंदर, एक बूंद भी पानी नहीं है, और बिल्कुल ये सिर्फ धनिया धनिया है। आप चाहें तो डेली वेज में भी ऐसे यूज़ कर आप सुखा के और फ्रिज में लगा सकते हैं, बिल्कुल पानी नहीं रहेगा इसके अंदर कच्चे धनिया को भी। और हम मैंने सिर्फ इसलिए इसको बांधा है इसके अंदर कि हम धूप में भी ना इसको ऐसे ही सुखाएंगे, जैसे ये है जैसे हमने बांध रखा था, इसको दोबारा फिर वैसे ही हम सेम मेथड से बांधेंगे, और ढीला बांधेंगे, टाइट नहीं बांधना है आपको, बिल्कुल ढीला ही बांधना है। देखिए इतना गैप है मेरे बांधने में, इतना गैप है इसमें, ऐसे ढीला बांधेंगे और तार पे ले जाके जैसे कपड़े डालते हैं इसको वैसे ही डाल देंगे। दो दिन तक में ये धनिया ऐसे सूख जाएगा जैसे हमने कई दिनों से डाल रखा था धूप में, और बिल्कुल ये बिल्कुल करकरा हो जाएगा जैसे हमारा मेथी हुआ था। कि कितना अच्छे से हमारा ये धनिया भी सूख के देखिए बिल्कुल करकरारा हो गया है, ये बिल्कुल अच्छे से सूख गया है, और दो दिन में ही बिल्कुल सूख गया है ये। अब बिल्कुल देखिए इसका कलर भी बिल्कुल हरा ही है, इसमें कुछ पत्तियाँ मेरी पीली पड़ गई थी इस वजह से आ रहा, नहीं तो सारी की सारी है जितनी भी है पत्तियाँ सब हरी। मैंने ये सारा एक से दो दिन में ही सूख के बिल्कुल हो जाता है, और आप ऐसे ही लंबे टाइम के लिए स्टॉक कर लें, और तो आप फिर इसको बीच बीच में धूप दिखा के फिर किसी अच्छे से डब्बे में फिर से टाइट डब्बे में इसको फिर से स्टॉक करके रख सकते हैं आप। कितने आसानी तरीके से ये हमने इसको घर में ही धनिया को स्टोर करने के लिए बना लिया, आप भी बनाइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।